वेलकम टू बायोलॉजी एट ईज। पिछली वीडियो में हमने फाइलम कॉर्डेटा की तीन सब फाइलम्स सेफेलोकॉर्डेटा, यूरोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा, इनकी क्लासिफिकेशन को डिटेल में पढ़ा था। इस वीडियो में मैं आपको सब फाइलम वर्टिब्रेटा की सुपर क्लास टेट्रापोडा की क्लासिफिकेशन बताने वाली हूँ। तो सब फाइलम जो आपका वर्टिब्रेटा होता है उसकी सुपर क्लास टेट्रापोडा की चार क्लासेस होती हैं, क्लास एम्फीबिया, रेप्टीलिया, एव्स एंड ममेलिया। अब मैंने क्या किया है, चारों क्लासेस की कैरेक्टरिस्टिक्स, 10 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इस बोर्ड में मेंशन करी हुई हैं। हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन पॉइंट लेकर सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को लर्न करेंगे, ताकि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लास रेप्टीलिया, तो आप इजीली इन 10 कैरेक्टरिस्टिक्स को लिख सके, या फिर अगर आपके पास डिफरेंशिएट करने को आता है किन्हीं दो क्लासेस को तो भी आप इजीली डिफरेंशिएट कर सके। तो स्टार्ट करते हैं क्लास एम्फीबिया से। जो सबसे पहला डिफरेंशिएशन का पॉइंट होगा वो होगा कि जो हमारा साइंटिफिक वर्ड एम्फीबिया है, रेप्टीलिया है, एव्स ममेलिया है, इसका इन जनरल मीनिंग क्या होता है। तो जो क्लास एम्फीबिया होती है वो एक ग्रीक वर्ड एम्फी और बायोस से डिराइव की गई है, एम्फी एंड बिया से बायोस। द वर्ड एम्फी मीन्स डुअल एंड द वर्ड बायोस मीन्स लाइफ। तो क्लास एम्फीबिया में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं विच शोज डुअल लाइफ। डुअल लाइफ का क्या मतलब होता है, डुअल लाइफ का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि लैंड में भी सर्वाइव कर सकते हैं और जो कि वाटर में भी रह सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई द टर्म डुअल लाइफ इज यूज्ड। डुअल क्यों, क्योंकि वो टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वेटिक भी होते हैं, दे कैन सर्वाइव ऑन बोथ लैंड एज वेल एज वाटर, एंड दैट्स व्हाई द टर्म एम्फीबिया इज यूज्ड फॉर दीज ऑर्गेनिजम्स। सेकेंड क्लास आती है रेप्टीलिया। रेप्टीलिया वर्ड डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड रेपेरे और रैप्टम से, जिसका मतलब होता है टू क्रीप और क्रॉल। तो क्लास रेप्टीलिया के अंदर वो सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि क्रॉल करते हैं। सो ऑल द क्रीपिंग और क्रॉलिंग ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड अंडर द क्लास रेप्टीलिया। मैंने जो भी चीजें बोर्ड में मेंशन करी हुई हैं, अगर आपको क्लियरली विजिबल नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, मैं हर एक वर्ड आपको बताऊंगी कि मैंने क्या लिखा हुआ है, ताकि आपको इन पॉइंट्स को नोट करने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो रेप्टीलिया क्या होते हैं, क्रीपिंग और क्रॉलिंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज रेप्टीलिया। एव्स, एव्स में क्या होता है, एव्स में वो सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनको हम कॉमनली बर्ड्स कहते हैं, सो क्लास एव्स इंक्लूड्स बर्ड्स। ममेलिया क्या होती है, ममेलिया इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड मेमा, MAMMA, मेमा। मेमा का मतलब होता है ब्रेस्ट और मेमोरी ग्लैंड्स। तो क्लास ममेलिया के अंदर वो सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जिनकी बॉडी में वेल डेवलप्ड मिल्क प्रोड्यूसिंग मेमोरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट। जिनकी बॉडी में ब्रेस्ट प्रेजेंट होती है वो क्लास ममेलिया के अंडर आते हैं। तो ये तो था कि किन बेसिस पर हम ऑर्गेनिजम्स को किसी क्लास में डालते हैं, किन बेसिस पर डालते हैं। एम्फीबिया में वो सारे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि डुअल लाइफ शो करते हैं, विच कैन सर्वाइव ऑन बोथ लैंड एज वेल एज वाटर। रेप्टीलिया के अंदर क्रीपिंग या क्रॉलिंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं। एव्स इंक्लूड्स ऑल द बर्ड्स, वेयर एज ममेलिया इंक्लूड्स ऑल द ऑर्गेनिजम्स विच पजेस ब्रेस्ट और मेमोरी ग्लैंड्स। सेकेंड फीचर आ जाता है बॉडी, इन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी कैसी होती है। क्लास एम्फीबिया के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी दो पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, हेड एंड ट्रंक, और इनकी बॉडी में कोई स्केल्स प्रेजेंट नहीं होती है। दे हैव अ स्मूथ बॉडी बिकॉज ऑफ म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट ओवर द बॉडी सरफेस। इनकी बॉडी कैसी होती है, इनकी बॉडी स्मूथ होती है एंड डिवाइडेड इनटू हेड एंड ट्रंक, दे हैव द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस ग्लैंड ऑन देयर बॉडी। उसके बाद आते हैं रेप्टीलिया की बॉडी। क्लास रेप्टीलिया के जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी ड्राई होती है और उनमें स्केल्स प्रेजेंट होती है। हम क्या करते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट जब हम एक्सप्लेन करेंगे, जब हम नेक्स्ट पॉइंट्स पढ़ेंगे, तो उससे पहले हम एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। एम्फीबिया के अंदर आते हैं फ्रॉग्स, टोड्स। रेप्टीलिया के अंदर आते हैं स्नेक्स, लिजर्ड्स। एव्स के अंदर सारी बर्ड्स आती हैं लाइक पीकॉक, पिजन, पैरट। ममेलिया के अंदर ह्यूमन बींग्स आते हैं। अगर हम एक्वेटिक मैमल्स की बात करें तो वेल्स आती हैं, ठीक है। तो अब हम बॉडी की बात करें तो फ्रॉग्स की बॉडी कैसी होती है, स्मूथ स्लाइमी बॉडी होती है, एंड द स्लाइमी नेचर इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ म्यूकस ग्लैंड विच सिक्रीट्स म्यूकस लाइक सब्सटेंस विच गिव स्लाइमी अपीयरेंस टू देयर बॉडी। तो उनकी बॉडी हेड और ट्रंक में डिवाइडेड होती है। रेप्टीलिया जिसमें लिजर्ड्स आती है, कैसी बॉडी होती है लिजर्ड्स, they have dry body and the body has the presence of scales or scutes।
एव्स, एव्स क्या होती है? बर्ड्स होती है. तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर कैसी हो जाएगी अपीयरेंस में? दे पजेस बीक, इनके पास बीक होती है. स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है विच हेल्प्स इन फ्लाइंग, और इनकी बॉडी फेदर्स से कवर्ड होती है. तो इन फीचर की वजह से हम कह सकते हैं, हम पहचान सकते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म बर्ड है. मेमेलिया, मेमेलिया के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या हो गया कि दे हैव ब्रेस्ट ऑन देयर बॉडी. इनकी बॉडी में वेल डेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं. सेकेंडली, अगर क्लास मेमेलिया का कोई ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल है लाइक वी ह्यूमन बींग्स, तो हमारी बॉडी कैसी होती है? हेयर से कवर्ड होती है. वी ह्यूमन बींग्स हैव द प्रेजेंस ऑफ हेयर ओवर आर बॉडी सरफेस. लेकिन अगर क्लास मेमेलिया का कोई ऑर्गेनिज्म एक्वेटिक है, जैसे कि वेल एक ऐसा मैमल है जो कि एक्वेटिक है, तो इनकी बॉडी में हेयर प्रेजेंट ना होकर एक फैट की लेयर प्रेजेंट होती है विच इज नोन एज ब्लबर. B-L-U-B-B-E-R, blubber. So aquatic mammal have the presence of a fat layer known as blubber on their body surface, whereas terrestrial mammals have the presence of hair. तो ये थी बॉडी की बात. क्या क्या पढ़ लिया हमने? पहले तो वर्ड की मीनिंग पढ़ ली कि उस क्लास के वर्ड की मीनिंग क्या है. सेकेंडली, उन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी कैसी होती है. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द एयर, इनके एयर कैसे होते हैं. जो एम्फीबियंस होते हैं, जो क्लास एम्फीबिया के अंडर ऑर्गेनिजम्स आते हैं, उनका एयर रिप्रेजेंट होता है एयर ड्रम से, विच इज साइंटिफिकली नोन एज टिम्पैनम. सो एयर इन केस ऑफ एम्फीबियंस इज रिप्रेजेंटेड बाय टिम्पैनम. रेप्टीलिया और एव्स के केस में भी एयर इज रिप्रेजेंटेड बाय एयर ड्रम विच इज नोन एज टिम्पैनम. लेकिन मेमेलिया के केस में आउटर ईयर प्रेजेंट होता है, जैसे हम ह्यूमन बींग्स में आउटर ईयर विच इज साइंटिफिकली नोन एज स्पिना इज प्रेजेंट. तो क्या होता है, फर्स्ट थ्री क्लासेस में मेमेलिया, रेप्टीलिया और एव्स में एयर इज रिप्रेजेंटेड बाय एयर ड्रम नोन एज टिम्पैनम, वेयर एज इन केस ऑफ द लास्ट क्लास मेमेलिया द एयर इज रिप्रेजेंटेड बाय आउटर एयर नोन एज स्पिना. क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स क्या होती है? क्रेनियल नर्व्स वो नर्व्स होती है जो कि सिग्नल्स को हमारे सेंसरी ऑर्गन से ब्रेन में लेकर जाती हैं, और जो ब्रेन रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है उस रिस्पॉन्स के सिग्नल्स को ब्रेन से इफेक्टर ऑर्गन्स में लेके जाती है. सपोज आपने मुझे कोई क्वेश्चन पूछा, तो मैंने उस क्वेश्चन को कैसे रिसीव किया? मेरे एयर से रिसीव किया इन द फॉर्म ऑफ ऑडिटरी सिग्नल्स. इन ऑडिटरी सिग्नल्स को मेरे ब्रेन तक कौन लेकर गया? क्रेनियल नर्व्स. अब मेरे ब्रेन ने एक रिस्पॉन्स प्रोड्यूस किया, आपके क्वेश्चन का आंसर प्रोड्यूस किया. अब उस आंसर को मेरे माउथ तक कौन लेकर जाएगा? क्रेनियल नर्व्स, ताकि मैं आपको आपके क्वेश्चन का आंसर दे सकूं. सो क्रेनियल नर्व्स आर दोज नर्व्स विच कैरीज द सिग्नल्स फ्रॉम द सेंसरी ऑर्गन्स टू योर ब्रेन, दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एंड कैरीज बैक द रिस्पॉन्स क्रिएटेड बाय द ब्रेन टू द इफेक्टर ऑर्गन्स. तो क्रेनियल नर्व्स एम्फीबियन में 10 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट, वेयर एज इन केस ऑफ रेप्टीलिया, एव्स एंड मेमेलिया 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स आर प्रेजेंट. फिर बात करते हैं इनके नेचर की, ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं या फिर वार्म ब्लडेड होते हैं. कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपनी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर बाहर के बदलते हुए टेम्परेचर के हिसाब से मेंटेन नहीं कर पाते हैं. कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैन नॉट रेगुलेट देयर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर विद द आउटसाइड चेंजिंग टेम्परेचर, वेयर एज वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि अपना इंटरनल बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं विद द चेंजिंग सराउंडिंग टेम्परेचर. फॉर एग्जाम्पल, जब गर्मियाँ होती है तो हम लोग स्वेट करते हैं ताकि हमारी बॉडी की जो हीट है वो बाहर आ सके और हमारी बॉडी का टेम्परेचर डाउन हो सके. जब सर्दियाँ होती है तो हम शिवर करते हैं ताकि हमारी बॉडी हीट प्रोड्यूस कर सके. सो वी आर, दैट इज द क्लास मेमेलिया इंक्लूड्स वार्म ब्लडेड एनिमल्स विच कैन मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर विद द आउटसाइड चेंजिंग टेम्परेचर, वेयर एज एम्फीबियंस एंड रेप्टीलियंस आर कोल्ड ब्लडेड. दे कैन नॉट रेगुलेट देयर बॉडी टेम्परेचर विद द आउटसाइड चेंजिंग टेम्परेचर. तो साइंटिफिकली इन लोगों को क्या कहा जाता है? कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स आर साइंटिफिकली नोन एज पोइकिलोथर्म्स, विच मीन्स कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिजम्स. एंड एव्स एंड मेमेलिया के जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दे आर वार्म ब्लडेड. साइंटिफिकली इन्हें क्या कहेंगे? होमियोथर्म्स. तो एम्फीबियंस एंड रेप्टीलियंस आर पोइकिलोथर्म्स, कोल्ड ब्लडेड, वेयरएज एव्स एंड मेमेलियंस आर वार्म ब्लडेड, होमियोथर्म्स. अब बात करते हैं रेस्पिरेशन की. जितने भी टेट्रापोडा के अंदर क्लासेस हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स टेट्रापोडा के अंदर आते हैं, दे हैव वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम. इनके ऑर्गन सिस्टम्स वेल डेवलप्ड होते हैं.
तो बात करते हैं रेस्पिरेशन की. एम्फीबियंस में रेस्पिरेशन कैन टेक्स प्लेस थ्रू गिल्स, लंग्स एज वेल एज स्किन्स. सो दे हैव वेल डेवलप्ड रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स. इनिशियल स्टेज में जब क्या होता है, जब आपका एम्फीबियन छोटा होता है, लार्वल स्टेज में प्रेजेंट होता है, तो वो रेस्पायर कैसे करते हैं? गिल्स से करते हैं. लेकिन जब लार्वा अडल्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जब लार्वा अडल्ट बन जाता है, तो द रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस थ्रू लंग्स और स्किन. तो इनिशियली गिल्स हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, वेयर एज इन अडल्ट स्टेजेस लंग्स और स्किन हेल्प्स इन रेस्पिरेशन इन केस ऑफ एम्फीबियंस. अगर हम रेप्टाइल्स की बात करें, तो रेप्टाइल्स में वेल डेवलप्ड लंग्स आर प्रेजेंट. सेम गोज विद एव्स. एव्स में भी लंग्स प्रेजेंट होते हैं. एव्स में एक और फीचर होता है कि लंग्स के पास एयर सैक प्रेजेंट होते हैं. और ये एयर सैक क्या करते हैं? ये एयर सैक रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं. तो एक एडिशनल फीचर आ जाता है बर्ड्स के केस में. इन बर्ड्स वेल डेवलप्ड लंग्स अलॉन्ग विद एयर सैक्स आर प्रेजेंट विच हेल्प्स इन रेस्पिरेशन. हम में दैट इज मेमेलिया क्लास के ऑर्गेनिजम्स में भी वेल डेवलप्ड लंग्स आर प्रेजेंट. तो रेस्पिरेशन कैसे हो गया? एम्फीबियंस में थ्रू गिल्स, लंग्स और स्किन. रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स में लंग्स हेल्प्स इन रेस्पिरेशन. सर्कुलेशन की बात करें, तो वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है. हार्ट कैसे प्रेजेंट होता है? देखिए, हार्ट क्या होता है? हार्ट के पास अगर हम ह्यूमंस की बात करें, तो फोर चैम्बर्स प्रेजेंट होती हैं, फोर कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट होते हैं. द अपर टू कंपार्टमेंट्स आर नोन एज एट्रिया एंड द लोअर टू कंपार्टमेंट्स आर नोन एज वेंट्रिकल्स. तो मैमल्स के केस में क्या होता है? फोर चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट, दैट इज टू एट्रिया एंड टू वेंट्रिकल्स आर प्रेजेंट. सेम गोज विद रेप्टीलिया एंड एव्स. तो रेप्टीलिया, एव्स और मैमल्स में फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, यानी कि इनकी बॉडी में जो हार्ट होता है उनमें टू एट्रिया और टू वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं. लेकिन एम्फीबियन के केस में थ्री चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है. अब थ्री चैम्बर्ड क्या होता है? थ्री चैम्बर्ड होता है कि इनकी बॉडी में टू एट्रिया प्रेजेंट होते हैं एंड ओनली अ सिंगल वेंट्रिकल इज प्रेजेंट. सो इन केस ऑफ एम्फीबिया ओनली अ थ्री चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट, वेयर एज इन केस ऑफ रेप्टीलिया, एव्स एंड मेमेलिया वेल डेवलप्ड फोर चैम्बर्ड हार्ट इज प्रेजेंट. ये थी सर्कुलेशन की बात. एक्सक्रीशन की बात करें, तो सारे ऑर्गेनिजम्स में, चाहे वो किसी भी क्लास का हो, एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू किडनीज. तो एक्सक्रीटरी यूनिट क्या हो जाती है? किडनीज. लेकिन किडनीज के भी डिफरेंट टाइप होते हैं. एक होती है मीजोनेफ्रिक किडनी. मीजोनेफ्रिक किडनी वो किडनीज होती हैं जिसके अंदर जो ट्यूब्यूल्स होते हैं, जो ट्यूब्स होती हैं, वो मीजोडर्म से डिराइव करी होती हैं. तो मीजोनेफ्रिक किडनीज आर दोज किडनीज इन विच द ट्यूब्यूल्स आर डिराइव फ्रॉम मीजोडर्म. और जब ये मीजोनेफ्रिक किडनी विद टाइम डेवलप हो जाती हैं, सो दे गेट्स मॉडिफाइड इनटू मेटानेफ्रिक किडनी. तो मीजोनेफ्रिक किडनी को जनरली हम टेम्प्रेरी किडनी भी कहते हैं. एंड वेन दे गेट मॉडिफाइड इनटू मेटानेफ्रिक किडनी, दे आर नोन एज परमानेंट किडनी. तो मेटानेफ्रिक किडनी क्या होती है? मोर एडवांस्ड होती है देन मीजोनेफ्रिक किडनी. तो एम्फीबियन के केस में मीजोनेफ्रिक किडनी इज प्रेजेंट, वेयर एज इन केस ऑफ रेप्टीलिया, एव्स एंड मेमेलिया मेटानेफ्रिक किडनीज आर प्रेजेंट. ठीक है, तो ये हो गई एक्सक्रीशन की बात. फिर आता है रिप्रोडक्शन के. रिप्रोडक्शन कैसा होता है? एम्फीबियन के केस में ऑर्गेनिजम्स यूनिसेक्सुअल होते हैं, यानी कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट सेपरेटली ऑन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. एक मेल ऑर्गेनिज्म होगा, एक फीमेल ऑर्गेनिज्म होगा, एंड द रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन टू डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स. सिमिलरली विद रेप्टीलिया, एव्स एंड मेमेलिया, द ऑर्गेनिजम्स आर यूनिसेक्सुअल. हर क्लास में क्या होता है? मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अलग अलग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है. या फिर सिंपल टर्म्स में हम कह सकते हैं कि मेल और फीमेल अलग अलग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. दे आर नॉट बाइसेक्सुअल, दे आर यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स. ऑल द ऑर्गेनिजम्स अंडर दीज फोर क्लासेस आर यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स. अगर हम फर्टिलाइजेशन की बात करें कि मेल और फीमेल गैमेट कहां फ्यूज होता है, तो एम्फीबियंस में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, यानी कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स अकर्स इन आउटसाइड मीडियम, फॉर एग्जाम्पल इन वाटर. मेल ऑर्गेनिजम्स क्या करता है? अपने गैमेट्स वाटर में रिलीज करता है. सिमिलरली फीमेल अपने जो गैमेट्स होती है वो वाटर में रिलीज करती है. एंड फ्यूजन टेक्स प्लेस इनसाइड द वाटर, पानी के अंदर फ्यूजन होता है. वेयर एज इन केस ऑफ रेप्टीलिया, एव्स एंड मेमेलिया इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस. जो फीमेल ऑर्गेनिज्म होती है उसकी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है. फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट अकर इनसाइड द बॉडी ऑफ फीमेल ऑर्गेनिज्म इन केस ऑफ रेप्टीलिया, एव्स एंड मेमेलिया.
अब बात करते हैं हम कि वो ओवीपेरस होते हैं या वीवीपेरस होते हैं। देखिए क्या होता है, जो ऑर्गेनिजम्स एग लेइंग होते हैं, जो एग ले करते हैं, दे आर नोन एज ओवीपेरस ऑर्गेनिजम्स। फॉर एग्जांपल एम्फीबियंस। फ्रॉग्स क्या करता है, फ्रॉग्स एग ले करता है। तो दीज ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज ओवीपेरस, जिनमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इनसाइड एग्स। वेयर एज द ऑर्गेनिजम्स जो कि यंग वंस को बर्थ देते हैं, जिनमें एम्ब्रियो का डेवलपमेंट एग के अंदर नहीं होता है, दे आर नोन एज वीवीपेरस ऑर्गेनिजम्स। तो दो डिफरेंस आ जाते हैं, ओवीपेरस ऑर्गेनिजम्स आर एग लेइंग ऑर्गेनिजम्स, वेयर एज वीवीपेरस ऑर्गेनिजम्स आर दोस ऑर्गेनिजम्स विच गिव्स बर्थ टू यंग वंस। ओवीपेरस ऑर्गेनिजम्स में द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो टेक्स प्लेस इनसाइड द एग, whereas in case of viviparous organisms the development of embryo takes place inside the body of the female parent। तो आपके जो amphibians होते हैं वो oviparous होते हैं, that is egg laying होते हैं। reptilia भी oviparous होते हैं, aves भी oviparous होती हैं। birds क्या करती हैं, egg lay करती हैं, so aves are also oviparous। mammalia के case में they are generally viviparous। humans में भी क्या होता है, फीमेल कोई एग नहीं ले करती है, डायरेक्टली द फीमेल पेरेंट गिव्स बर्थ टू अ यंग वन। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि ऑर्निथोरिंकस विच इज कॉमनली नोन एज प्लैटीपस। प्लैटीपस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसा मैमल है जो कि एग लेइंग होता है। सो जनरली क्लास मेमेलिया के ऑर्गेनिजम्स वीवीपेरस होते हैं, विथ फ्यू एक्सेप्शंस लाइक प्लैटीपस विच आर ओवीपेरस। अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो एम्फीबियन शोज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। एम्फीबियन के केस में लार्वल स्टेज इन्वॉल्व होती है। फ्रॉग के लार्वा को हम क्या बोलते हैं, टैटपोल बोलते हैं। तो क्या हो गया, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हो गई, क्योंकि लार्वल स्टेज इज इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्टिव साइकिल। वेयर एज इन केस of reptilia, aves and mammalia, no larval development occurs during the lifespan of the organism. Therefore, we can say that reptilia, aves or mammalia ke case mein direct development hota hai. To amphibians kaise ho gaye? Amphibians are unisexual, shows external fertilization, are oviparous and with indirect development. Reptilia, aves and mammalia, unisexual, internal fertilization, oviparous with direct development. Mammalia are viviparous with few exceptions which shows oviparous nature. Last आपका point आ जाएगा examples का। तो amphibia के example हमने क्या पढ़ दिए, frog, toad। reptilia के example में आ जाता है snakes, lizards। aves में आपकी सारी birds आ जाती हैं। and the class mammalia includes all the mammals like human beings, dog, cat, whale, etc. तो ये 10 points थे जो कि आप, अगर आपको इन features को explain करने को आता है, general characteristic of any of the class explain करने को आता है तो मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको किन्हीं दो क्लासेस के बीच डिफरेंशिएट करने को आता है तो भी आप इन 10 पॉइंट्स को यूज कर सकते हैं। सो आई होप यू आर क्लियर विद द कंटेंट। इफ यू लाइक दिस वीडियो, डू हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू बायोलॉजी इट इज फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।